गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? विश्वास है आप अच्छे होंगे आप। और कल के लिए सॉरी कि आपको एडिटोरियल का सेशन नहीं मिल सका, लेकिन उसकी एक वजह थी, क्योंकि हुआ क्या कि मैं सारी रिकॉर्डिंग कर लिया, सब कुछ हो गया, और फिर पता चला कि पूरा साउंड ही क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। और करीब ये 1 घंटे के आसपास रिकॉर्डिंग थी, और फिर कोशिश किया घर पे कर लूँ मैं, लेकिन हो नहीं पाया, तो उसके लिए सॉरी। और शुरू करते हैं आज का सेशन अपना। और ये कोट जैसा कि आप देख रहे होंगे, यू हैव टू बी ऑड टू बी नंबर वन। अच्छा कोट है बच्चों, समझ सकते हैं आप, यू हैव टू बी ऑड, यानी आपको अलग होना होगा टू बी नंबर वन, यदि आप नंबर वन बनना चाहते हैं। यानी नंबर वन बनने से यहां मतलब है कि यदि आप सफल होना चाहते हैं, सबसे आगे रहना चाहते हैं, यू हैव टू बी ऑड, आपको दूसरों से अलग होना होगा, तभी जिंदगी में आप सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करिए, इसकी परवाह नहीं करिए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, इसकी परवाह करिए कि आपका डिसीजन कैसा है और वो डिसीजन लॉन्ग टर्म में क्या फल, क्या परिणाम आपको दे सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये स्टोरनेम्स टेस्ट, जैसा कि आप जानते हैं, पहला वर्ड है आपका स्पार्कल। स्पार्कल क्या होता है, याद है आपको? स्पार्कल मीन्स, स्पार्कल मीन्स चमक, नाउन के रूप में, और वर्ब के रूप में चमकना। तो क्या हो जाएगा स्पार्कल का? ग्लिटर हो जाएगा। ऑफर आप जानते हैं, ऑफर एक नाउन के रूप में प्रस्ताव भी होता है और ऑफर देना भी होता है। टैकल किसी स्थिति को संभालना होता है। बाइंड आप जानते होंगे, बांधना, वर्ब के रूप में होता है। डिसिप्लिनरी याद है आपको, एडजेक्टिव के रूप में डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। तो डिसिप्लिनरी एक्शन मीन्स अनुशासनात्मक कार्यवाही। अनुशासनात्मक कार्यवाही मतलब किसी को दंडित करने के लिए कार्यवाही की जा रही हो, तो लॉडेटरी तो होगा नहीं, ये तो प्रशंसात्मक होता है, प्रशंसा से भरा हुआ। प्लानेटरी होगा नहीं, प्लानेटरी ग्रहों से संबंधित होता है। सैक्रिमेंटेरियन होगा नहीं, जो संस्कार संबंधी व्यक्ति होता है, उसके अंदर जो संस्कार होता है वो सैक्रामेंटेरियन होता है, क्योंकि सैक्रामेंट में से ही संस्कार होता है। कॉस्टिगेटिंग होगा ना, कॉन्स्टिगेटिंग, जब आप किसी को दंडित करें, उसे डांटे फटकारें, तो वो कॉस्टिगेट करना होता है। तो डिसिप्लिनरी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कैस्टिगेटिंग। नेक्स्ट वर्ड इजी होना चाहिए आपके लिए, अब एम्बैरेसमेंट। एडिटोरियल पढ़ने से फायदा होगा बच्चों, कठिन वर्ड्स भी आसान लगेंगे। एम्बैरेसमेंट कोई शर्मिंदगी, कोई परेशानी। तो डेल्यूजन नहीं होगा, डेल्यूजन इल्यूजन का बड़ा भाई होता है, और इल्यूजन कंफ्यूजन का बड़ा भाई होता है। तो कंफ्यूजन, इल्यूजन या डेल्यूजन मीन्स भ्रम होता है। ठीक है, किसी चीज को लेकर के आप क्लियर नहीं है, ये डेल्यूजन है, भ्रम है। अकवर्डनेस हो जाएगा, हो जाएगा एम्बैरेसमेंट। जब आप अकवर्ड फील करें, मीन्स कहीं कहीं शर्मिंदा फील करें, तो आपके अंदर एक एम्बैरेसमेंट है, मीन्स एक अकवर्डनेस आपके अंदर है। फॉर्मिडेबल क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर कोई दुर्जेय है तो भी वो फॉर्मिडेबल है, और अगर कोई भयंकर, विकट, डरावना है तो भी वो फॉर्मिडेबल होता है। डॉडल आप जानते होंगे, इधर उधर घूमना, समय नष्ट करना होता है। डॉडल करना, लॉयटर करना, रोम अबाउट करना, ये सब क्या होता है? इधर उधर टहलना, घूमकर समय नष्ट करना होता है। वर्डिक्ट आप जानते हैं, वर्डिक्ट मीन्स डिसीजन, कोई निर्णय होता है, स्पेशली एक जज के द्वारा दिया गया निर्णय भी वर्डिक्ट होता है। किसी चीज पर आपका निर्णय जो है वो भी वर्डिक्ट होता है। तो बिल्कुल इजी है, वर्डिक्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? जजमेंट। वायलेशन याद होगा आपको, वायलेशन जब आप किसी चीज का उल्लंघन करते हैं, किसी नियम, किसी कानून का। कंपीट याद हो गया आपको, कंपीट प्रतिस्पर्धा करना, किसी से प्रतियोगिता करना। फोरसेक आप जानते हैं, फोरसेक में त्याग देना, छोड़ देना। ट्राइब्यूनल याद है आपको, एक न्यायाधिकरण जो होता है, एक ऐसी पीठ जो किसी मसले के समाधान के लिए बनाई गई हो, वो ट्राइब्यूनल होती है। क्या हो जाएगा? आर्बिट्रेशन हो जाएगा ना, मध्यस्थता एक तरह की, अर्थात किसी मामले के निपटान करने के लिए जिसे गठित किया गया हो। अवेयरनेस आप जानते हैं, जागरूकता को कहते हैं। ज्यूरिसडिक्शन अगर याद हो, अधिकार क्षेत्र होता है ज्यूरिसडिक्शन, और मॉनिटरिंग निगरानी को कहते हैं आप। इम्बाइब याद हो गया आपको, इम्बाइब किसी चीज को पी जाना, सोख लेना, अवशोषित कर लेना, इम्बाइब। तो क्या हो जाएगा इसका? कंज्यूम हो जाएगा, उपभोग कर लेना। डब्बीएस याद हो गया, डब्बीएस संदिग्ध, सस्पिशस के अर्थ में। लर्क याद है, जो चीज कहीं छिप करके बैठी हो, घात में बैठी हो, लर्क कर रही है। बैंड नॉर्मल वर्ड है, जो चीज प्रतिबंधित है, प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, वो क्या है? बैंड है आपका। ठीक है,
स्प्रिंट एक नाउन के रूप में अगर आप देखेंगे तो फिर एक दौड़ हो जाएगी, कम दूरी की तेज दौड़। और अगर एक वर्ब के रूप में देखेंगे तो तेज गति से दौड़ना हो जाएगा। तो तेज गति से दौड़ना मींस क्या करना, रश करना। इम्बाइब अभी आपने पढ़ा, किसी चीज को पी जाना, कंज्यूम कर लेना, अवशोषित कर लेना। जजमेंट नॉर्मल वर्ड है और कंज्यूम भी यहां पर है आपका। टेम्पटेशन याद हो गया बच्चों आपको, टेम्पटेशन मीन्स कोई लालच। जब किसी गलत को करने का मन में आपके लालच आता है तो वो टेम्पटेशन होता है। तो ये आर्बिट्रेशन तो है नहीं, आर्बिट्रेशन याद हो गया आपको, एक प्रकार की आर्बिट्री अवस्था मीन्स मध्यस्थता की अवस्था जो होती है वो आर्बिट्रेशन होती है, एक ट्राइब्यूनल के सेंस में ले सकते हैं आप। इम्फैटिकली याद है, जब आप किसी चीज को जोरदार तरीके से जोर देकर के कहते हैं तो आप इम्फैटिकली कहते हैं, आप इम्फैटिक से बना है। सक्सेशन क्या होता है, एक सिलसिला एक के बाद दूसरा जो सीरीज होती है वो क्या होता है, सक्सेशन। लेकिन सक्सेशन का एक दूसरा भी अर्थ होता है, अगर आपको याद हो ये अर्थ होता है, याद है आपको उत्तराधिकार, ये भी अर्थ होता है सक्सेशन का। तो टेम्पटेशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, अल्योरमेंट, लालच, कोई प्रलोभन जो होता है वो टेम्पटेशन या अल्योरमेंट होता है। ठीक है, वन वर्ड्स एंड जल्दी देख लें आप। वन हु कलेक्ट्स क्वाइंस एज हॉबी, जो सिक्के वगैरह इकट्ठे करता हो, उसका शौक रखता हो, वो क्या है, पेसिमिस्ट नहीं निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट नहीं आशावादी, न्यूमिस्मैटिस्ट बिल्कुल न्यूमिस्मैटिस्ट, वो व्यक्ति जिसे सिक्के वगैरह कलेक्ट करने का शौक होता है वो न्यूमिस्मैटिस्ट है। आप भूलिएगा नहीं, आप ये वर्ड भी याद रखिएगा इसके साथ जो अक्सर मैं बताता हूं, फिलैटलिस्ट। फिलैटलिस्ट कौन होता है, जो डाक टिकट वगैरह इकट्ठे करने का शौक रखता हो वो फिलैटलिस्ट होता है। ठीक है, जिंजिवाइटिस क्या होता है, जो मसूड़ों की सूजन होती है वो जिंजिवाइटिस होता है। ठीक है, अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर्स इन अ वैरायटी शो, तमाम तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स में तमाम तरीके के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उन पार्टिसिपेट करने वालों के बारे में भी आप देखेंगे एक व्यक्ति उनका परिचय देता है कि हां अब हम बुलाना चाहेंगे फलां को, तो वो जो उनका परिचय देता है, उनका इंट्रोडक्शन करवाता है, वो कॉम्पिटेंट होता है नहीं, कॉम्पिटेंट जो आदमी क्षमतावान है, कम्पीट करने लायक है। कंपेयर बिल्कुल, कंपेयर क्या होता है, उद्घोषक, जो किसी कार्यक्रम का उद्घोषक होता है वो कौन होता है, कंपेयर होता है। सफिशिएंट आप जानते हैं, पर्याप्त। लस्टर क्या होती है, चमक, किसी चीज की आभा, किसी चीज की शोभा, किसी चीज की जो चमक होती है वो क्या होती है, लस्टर होती है। द थेरेपेटिक यूज ऑफ सनलाइट, यानी सूर्य की रोशनी का जब एक थेरेपी में, उपचार में यूज करते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये हेलियोथेरेपी कहलाता है। बिल्कुल, क्योंकि हेलियो कहीं भी लगा है, इसके मींस ही सूर्य होता है। ठीक है, तो थेरेपी उपचार होता है, तो सूर्य की रोशनी के द्वारा जो उपचार होता है वो हेलियोथेरेपी होता है। आर्थोपेडिक्स आप जानते हैं, हड्डी से संबंधित होता है। जीनियोलॉजी अगर आप जानते हो, वंशावली होता है, लोगों के वंश से संबंधित हो। और पैंटिसोक्रेसी क्या होता है, सर्वतंत्र, जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो, जिसमें सभी लोग मिलकर शासन करते हो, ऐसी व्यवस्था को पैंटिसोक्रेसी कहते हैं। ठीक बच्चों, ये सारी वर्ड्स क्या करेंगे, तैयार करेंगे, और ये लास्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, टेक वन टू टास्क, टेक वन टू टास्क क्या होते हैं, किसी को डांटना, फटकारना, दंडित करने के सेंस में आप लेते हैं। जैसे द टीचर टुक द चाइल्ड टू टास्क, टुक द स्टूडेंट टू टास्क, मीन्स टीचर ने क्या किया, उसे रिब्यूक किया, मीन्स उसे डांटा फटकारा। स्क्रीम क्या होता है, चीखना चिल्लाना होता है। स्टडी आप जानते हैं, प्रेज भी आप जानते हैं। बी ऑन क्लाउड नाइन तैयार कर लीजिएगा, बी ऑन क्लाउड नाइन मीन्स बहुत अधिक खुश हो जाना, बहुत प्रसन्न हो जाना। जैसे आप सफल हो जाएं और आप कहें टुडे आई एम ऑन क्लाउड नाइन, मीन्स आप क्या है, यू आर वेरी हैप्पी। तो बी ऑन क्लाउड नाइन मीन्स बी वेरी हैप्पी, बहुत प्रसन्न हो जाना। हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ इंपॉर्टेंट इडियम है। हैंड टू माउथ क्या होता है, आप किसी तरह अपना गुजर बसर कर लेते हैं, यानी जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं, अर्थात आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बस वो क्या हो जा रही हैं, पूरी हो जा रही हैं, तो हैंड टू माउथ आप सर्वाइव कर ले रहे हैं। तो हैंड टू माउथ का क्या हो जाएगा आपका, टू लिव ऑन ओनली बेसिक नेसेसिटीज, जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं
उन्हीं पर जिंदा रहना, जीवित रहना, टू लिव हैंड टू माउथ होता है। ठीक है, सारी तैयार करिएगा बच्चों, और देखेंगे आज थोड़ा सा चेंज है क्योंकि मैं एडिटोरियल पे फोकस करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें मेरी एडिटोरियल फोकस हो। बच्चे कहीं कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें अलग से वीडियोज़ बना बना के मैं डाल दिया करूँगा। ठीक है, तो ये सेक्शन सीधे वोकैब का आपके सामने। वोकैबुलरी में पहला वर्ड है आपका ओवरकम, पढ़ा था आपने ना, ओवरकम मीन्स जीत लेना, विजय प्राप्त कर लेना, नियंत्रण प्राप्त कर लेना, किसी पर अपने अधीन कर लेना। ओवरकम, ओवरकम किसी के ऊपर आ जाना अर्थात उसे नियंत्रित कर लेना। दिस इज वर्ब के रूप में आपका है, अर्थात किसी को आप प्रिवेल कर लें, अर्थात कहीं कहीं उसके व्याप्त हो जाए, उसके ऊपर हो जाए, उस पर विजय प्राप्त कर लें, ओवर है ही आपका। ब्राइडल कर लें, लगाम लगा लें उस पर, टेम कर लें, नियंत्रित कर लें, कॉन्क्वर कर लें, जीत लें उसे आप, वैनक्विश कर लें, हरा दें उसे आप, ट्रायम्फ ओवर कर लें मीन्स जीत जाएं आप। तो ओवरकम किसी पर विजय प्राप्त कर लेना, उसे अपने नियंत्रण में कर लेना। जैसे यू शुड ओवरकम योर सैडनेस, यानी आपको अपनी उदासी पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए। इनकर्जन, ये क्या है, एक नाउन है, SION, इनकर्जन एक नाउन है। इनकर्जन क्या होती है, एक घुसपैठ होती है। क्या होती है, एक घुसपैठ। बच्चों ये वर्ड आप जानते हैं, इनफिल्ट्रेशन याद है, घुसपैठ को कहते हैं, या ये वर्ड भी आप जानते हैं बच्चों, इंट्रूजन क्या होती है, घुसपैठ। दिस इज इनकर्जन, नाउन के रूप में घुसपैठ। एक तरह से आप अटैक ऑन कर रहे हैं, कहीं कहीं हमला कर रहे हैं मीन्स अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, असॉल्ट ऑन कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, रेड ऑन कर रहे हैं, छापा मार रहे हैं, इन्वेजन कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, इनफिल्ट्रेट कर रहे हैं मीन्स घुसपैठ कर रहे हैं, इंट्रूड कर रहे हैं घुसपैठ कर रहे हैं। तो इनकर्जन नाउन के रूप में घुसपैठ। अप्रेजल आपने पहले भी पढ़ा है नाउन के रूप में, वर्ड्स रिपीट होते रहेंगे बच्चों अगर आप रेगुलर एडिटोरियल पढ़ेंगे आप, बहुत आसान हो जाएगा। अप्रेजल याद है आपको, मूल्यांकन, अप्रेज करने का कार्य, यानी असेसमेंट, इवेल्युएशन, एस्टिमेशन या जजमेंट, अर्थात किसी चीज का मूल्यांकन। जजमेंट थोड़ा सा अलग है, लेकिन एस्टिमेशन, इवेल्युएशन और असेसमेंट और अप्रेजल चारों एक हैं, किसी चीज पर आपका अनुमान, आपका मूल्यांकन। ट्रुप्स भी पढ़े होंगे आप, ट्रुप्स मीन्स जो सैनिकों की टुकड़ियां होती हैं वो ट्रुप्स होती हैं, यानी सैनिक मंडली या सैनिक। ठीक है, ये सोल्जर्स हैं, आर्म्ड फोर्सेज हैं, सर्विसमैन हैं, अर्थात कौन है, ये ट्रुप्स हैं यानी सेना की टुकड़ियां हैं। इस पर भी पहले आपने कुछ एडिटोरियल्स पहले पढ़ा था आपने, प्रेरणा मीन्स इंस्पिरेशन, एक प्रकार का स्टिम्युलस, एक प्रकार का इंसेंटिव, एक प्रकार का एनकरेजमेंट अगर आपको दिया जा रहा है तो आपको इस पर किया जा रहा है, यानी अगर आपको कोई कार्य आपने अच्छा किया और आपको इस पर दिया जा रहा है नाउन के रूप में, तो आपको क्या किया जा रहा है, प्रेरणा प्रदान की जा रही है। तो इस पर प्रेरणा, प्रेरित होने का कार्य, बढ़िया वर्ड यहां बच्चों है, स्टिम्युलस काम आएगा आपके। आर्टिलरी नाउन में आपने पढ़ा होगा पीजेंट्री, आर्टिलरी, टेनेंट्री होता है ना बच्चों वहां पे, और भी जेंट्री वगैरह आपने पढ़ा होगा, पोल्ट्री आपने पढ़ा होगा। तो आर्टिलरी क्या होता है, तोप खाना या जो तोपें होती हैं वो, लार्ज कैलिबर गन्स, जो युद्ध वगैरह में बड़ी बड़ी क्षमता वाली बंदूकें यूज की जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तोपें। दिस इज आर्टिलरी, मीन्स एक ऑर्डिनेंस है, यानी आयुध भंडार। ध्यान रखें बच्चों, डी के बाद आई जोड़ देंगे तो ये आपका एक अध्यादेश हो जाएगा, आई हटा देंगे ऑर्डिनेंस तो ये तोपखाना हो जाएगा। कैनन तोपें, कैननरी तोपखाना से संबंधित। डाइल्यूट पहले भी आपने पढ़ा था, डाइल्यूट का शुद्ध होता है किसी घोल मिल देना, ये होता है डाइल्यूट कर देना, लेकिन जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आपको उसके अलग अलग अर्थ मिलते हैं। यहां डाइल्यूट का अर्थ किसी चीज को क्या कर देना, हल्का कर देना, कमजोर कर देना, यानी कोई चीज अगर किसी चीज में आप मिला दे रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, कहीं कहीं उसकी ओरिजिनलिटी को क्या कर रहे हैं आप, हल्का कर रहे हैं। वैसे कोई कंडीशन अगर उसमें डाइल्यूशन आ रहा है मीन्स कमजोरी आ रही, अर्थात तो वर्ब के रूप में आप हल्का कर रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं, आप उसे वीकेंड कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, थिन आउट कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, वाटर डाउन कर रहे हैं, उसका रंग उतार रहे हैं, अर्थात कमजोर कर रहे हैं। एनॉर्मस आपने पढ़ा था भी, मीन्स एडजेक्टिव रूप में जो चीज बहुत विशाल हो, ह्यूज हो, वास्ट हो,
एक्सटेंसिव हो, एक्सपेंसिव हो, इमेजरेबल हो, व्हाट गार्गेंटुअन हो, हरक्यूलियन हो और डॉब्ड डिंगेनगियन हो, यानी जो विशाल है, बड़ा है, वो क्या है? एनॉर्मस है. मीन्स जो चीज बहुत साइज में, क्वांटिटी में, एक्सटेंट में बहुत विशाल हो, वो एनॉर्मस होता है. ये एडिटोरियल आपके सामने है. बैक फ्रॉम द ब्रिंक, यानी बैक फ्रॉम द ब्रिंक क्या होता है? एकदम मुहाना, अर्थात एक अंतिम अवस्था. तो युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर आने के बाद बैक, वहां से क्या हो गया? वापस हो गए. अर्थात कहीं कहीं ये आपको पॉजिटिव अप्रोच दिखाया जा रहा है कि हम कहीं कहीं लड़ाई के ब्रिंक पर आने के बावजूद हम क्या हो गए? वापस हो, लड़ाई से हम क्या हो गए? पीछे हट गए. ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर रो. बच्चों एडिटोरियल पढ़ते देखिए बहुत फायदा है. देखिए रो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग रो में जानते हैं कोई पंक्ति, कोई नोट है, कोई पंक्ति, कोई लाइन. लेकिन यहां पर रो मीन्स क्या जानेंगे पता है? कि रो मीन्स झगड़ा भी होता है. ये फायदा है. तो ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर रो, यानी जो सीमा पर विवाद है, झगड़ा है भारत और चीन के बीच, उसी पर ये एडिटोरियल लिखा गया आपको. द मिस्ट्रस्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एलएसी कैन बी ओवरकम विद बेटर कम्युनिकेशन. द यहां पे आर्टिकल डिटरमिनर हो गया, मिस्ट्रस्ट नाउन के रूप में हो गया क्योंकि आगे आन है इसके, यानी नाउन सब्जेक्ट हो गया, आन प्रीपोजिशन, बोथ साइड्स, साइड्स यहां क्या है आपका? नाउन. तो बोथ क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव. ऑफ प्रीपोजिशन द एलएसी, यानी द यहां क्या हो गया? डिटरमिनर. आर्टिकल एलएसी किस रूप में है? नाउन के रूप में. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. कैन मॉडल हो गया, बी आपका मॉडल के बाद बी का फॉर्म, यानी बी की फर्स्ट फॉर्म वर्ब के रूप में. ओवरकम भी क्या है? वर्ब ही है, यहां थर्ड फॉर्म के रूप में पैसिव वॉइस में. विद प्रीपोजिशन. बेटर कम्युनिकेशन में बेटर यहां क्या है आपका? एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री में. और कम्युनिकेशन टी आई यू एन क्या है? नाउन है आपका. ठीक है, यानी द मिस्ट्रस्ट, यानी जो अविश्वास है ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ऑफ द एलएसी, यानी एलएसी के दोनों तरफ जो अविश्वास है, कैन बी ओवरकम, उस अविश्वास पर विजय प्राप्त की जा सकती है, उस अविश्वास को दूर किया जा सकता है विद अ बेटर कम्युनिकेशन. किस चीज के साथ? अगर आप अच्छे से, सही तरीके से कम्युनिकेशन करते हो, मीन्स बातचीत करते हो, यानी अच्छी तरीके की बातचीत से वक्त दूर किया जा सकता है, विजय प्राप्त की जा सकती है एलएसी के दोनों तरफ जो अविश्वास है, यानी एलएसी के तरफ दोनों तरफ जो अविश्वास है उसे अच्छी बातचीत के द्वारा क्या किया जा सकता है? कैन बी ओवरकम, दूर किया जा सकता है. और जैसे आपने लाइनें पढ़ी तो आप तुरंत समझ जाएं लेखक कहीं कहीं क्या दिखा रहा है. टोन क्या है उनकी? एक ऑप्टिमिस्ट की टोन है. अर्थात वो क्या दिखा रहे हैं यहां पर आपको? एक प्रकार का ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं, कहीं कहीं आशा प्रदर्शित कर रहे हैं. आप समझ रहे होंगे, आपने इससे पहले भी इस पर एडिटोरियल पढ़ा हुआ है. ये उसी भारत और चीन के बॉर्डर रो पर, यानी बॉर्डर के उस विवाद पर है, झड़प पर है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं. लेकिन अभी कुछ आशा की किरणें, रे ऑफ होप जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों तरफ के लोग जो हैं, उनके अधिकारी, ऑफिसियल्स जो हैं, कर्नल्स हैं, ब्रिगेडियर्स वगैरह हैं, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं और दोनों तरफ की सेनाएं जो है कहीं कहीं पीछे हटने को क्या हो गई हैं? तैयार हो गई हैं. लेकिन भारत को कुछ और चीजों पर डटे रहना चाहिए. यदि इंडिया को ऐसा लगता है, भारत को ऐसा लगता है कि चीनी सेना पूरी तरह से वहां से नहीं हट रही है, तो भारत को कतई अपने कदम पीछे नहीं खींचना चाहिए. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, भारत को अपना जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है वो भी बंद नहीं करना चाहिए, जो वो एलएसी के अपनी तरफ कर रहा है, क्योंकि वो इसके लिए एंटाइटल्ड है. कहीं कहीं उसका ये अधिकार है ये करने का कि वो एलएसी के इस तरफ, जिस तरफ बॉर्डर है, यानी अपना एरिया है, उस तरफ भारत अपने हिसाब से कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर सकता है. लेकिन चीन की मुसीबत क्या है? वह इस असिमेट्रिकल पोजीशन को, यानी असंतुलन की स्थिति को बनाए रखना चाहता है. वो नहीं चाहता है कि जिस चीज, जिस सुविधाओं का वो इंजॉय कर रहा है, आनंद ले रहा है, अवेल कर रहा है, वो सुविधाएं भारत के पास आ जाएं. और यही उसके विवाद की सबसे बड़ी जड़ है, या इस तरह से अग्रेसिव होने के पीछे उसकी वजह है.
यानी उसे ऐसा लगता है भारत हमेशा कमजोर बना रहे, भारत के पास वो फैसिलिटीज न हो जो फैसिलिटीज उस पार उसके पास है, और जब भारत ऐसा करने की कोशिश कर रहा है तो चीन कहीं कहीं कहते ना देहात में घिकियाना में इसे हड़काने की कोशिश करना है, भारत को कहीं कहीं वो थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज द रीजन इंडिया को कहीं के अपने स्टैंड पर कायम रहना चाहिए कि जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हम भी पीछे हटने वाले नहीं है बच्चों, ठीक है। और हम भी पीछे नहीं हटें, एडिटोरियल पढ़ते रहें और इससे नए नए वर्ड्स नई नई चीजें हमेशा क्या करते रहें हम लोग सीखते रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या है हमारे पास। ओके, कह रहे एन एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा समझौता रीच्ड, जो एग्रीमेंट पहुंच गया था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, किसके बीच, इंडिया और चाइना के बीच, नहीं भारत और चीन के बीच, जिस पर एक एग्रीमेंट एक समझौता हो चुका था ऑन जून 6। अगर केवल जून होता तो इसके पहले आप इन ले लेते, लेकिन यहां डेट दी गई है इसलिए यहां क्या लग गया ऑन, यानी 6 जून को भारत और चीन के बीच एक एग्रीमेंट पर पहुंच लिया गया था, मीन्स कहीं कहीं वो समझौता हो चुका था, किस लिए, फॉर अ पार्शियल डिसएंगेजमेंट, पार्शियल मीन्स क्या होता है आंशिक, थोड़ा बहुत, और डिसएंगेजमेंट यानी कहीं कहीं सैनिकों की वापसी, अर्थात उनके बीच जो तकरार हो रही है उससे मुक्ति, उससे छुटकारा। तो 6 जून को क्या हुआ, फॉर अ पार्शियल डिसएंगेजमेंट यानी कहीं कहीं हल्के फुल्के मुक्ति के लिए, यानी हल्की फुल्की एक दूसरे से मुक्ति के लिए, झगड़े से मुक्ति के लिए भारत और चीन के बीच में क्या हो गया था, एक समझौता हो गया था, किनसे मुक्ति के लिए, ऑफ ट्रुप्स, यानी जो सेनाएं थी फ्रॉम, पहले यहीं तक देखें, जो सेना की टुकड़ियां थी उनके पार्शियल डिसएंगेजमेंट को, यानी कुछ न कुछ आंशिक रूप से एक कि दोनों एक दूसरे से झगड़ेंगे नहीं, इंगेज नहीं होंगे, इस पर 6 जून को क्या हो गया था, भारत और चीन के बीच में एक समझौते पर पहुंचा गया था। फ्रॉम सम ऑफ द पॉइंट्स, और कहां से डिसएंगेजमेंट होना था, पार्शियल डिसएंगेजमेंट, फ्रॉम सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ याद हो गया गतिरोध, यानी गतिरोध के कुछ बिंदु जो थे, पॉइंट्स थे, उनमें से कुछ पॉइंट्स से वहां पे पार्शियल डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रुप्स हो गया था, मीन सेनाओं ने एक दूसरे पर हमला करना या झड़प करना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, एलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, यानी जो LAC है उसके किनारे किनारे जो गतिरोध के कुछ पॉइंट्स थे उनमें से कुछ पर यह समझौता हो गया था 6 जून को कि अब दोनों सीमाएं, दोनों सेनाएं जो हैं वो एक दूसरे से भिड़ेंगे नहीं, अर्थात वो पार्शियली डिसएंगेज्ड हो जाएंगे, अर्थात क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये जो समझौता है, ये एग्रीमेंट जो है, इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, ये कैसा कदम है, इन द राइट डायरेक्शन, एक सही दिशा में उठाया गया एक कदम है, ठीक है। इट इज हाउएवर, जो भी हो, जब हाउएवर दो कामा के बीच में हो, जो भी हो, जो भी हो, इट इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप, ये केवल कौन सा कदम है, पहला कदम है, ठीक है, यानी अभी ये आगे का कदम नहीं है, अभी ये फर्स्ट स्टेप है, क्या कि 6 जून को ये समझौता हो जाना कि कहीं कहीं वो जो ट्रुप्स हैं उन्हें पार्शली डिसएंगेज्ड किया जाएगा, अर्थात उन्हें कहीं कहीं वहां से बुला लिया जाएगा, वापस बुला लिया जाएगा उन गतिरोधों से, जो गतिरोध वहां पे कुछ पॉइंट्स पे थे उनसे, ठीक है। बोथ साइड्स फेस व्हाट इज लाइकली टू बी अ लॉन्ग रोड अहेड टू रीस्टोर द स्टेटस क्वो एंटी प्रायर टू चाइनाज मल्टीपल इनकर्जन्स दैट बिगेन वन मंथ एगो है ना, तो निश्चित ही पूरे वाक्य का टेंस पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। करें बोथ साइड्स, यानी दोनों जो तरफ हैं, दोनों पक्ष हैं, फेस क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। व्हाट इज लाइकली, जो संभव है, टू बी अ लॉन्ग रोड अहेड, कि आगे अभी लंबा रास्ता है, किस चीज के लिए, टू रीस्टोर द स्टेटस क्वो एंटी, याद है आपको स्टेटस क्वो एंटी, कि इस विवाद से पूर्व जो स्थिति थी उसे रीस्टोर कर लिया जाए, मीन्स पुनः उसे उसी अवस्था में वापस लाया जाए, कौन सी स्थिति, प्रायर
टू चाइनाज मल्टीपल इनकर्जन्स, वो स्थिति जो चीन के अनेकों घुसपैठों से प्रायर पहले के थी, दैट बिगेन, देखिए पास्ट है ना, पास्ट इंडेफिनिट, दैट बिगेन, जो इनकर्जन जो घुसपैठ शुरू हुई थी 1 month एगो, कब, 1 महीने पहले, यानी बोथ साइड्स फेस, दोनों ही पक्ष जो है फेस सामना कर रहे हैं व्हाट इज लाइकली टू बी अ लॉन्ग रोड अहेड, जिसमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना होगा, किस लिए, टू रीस्टोर यानी पुनः वैसी स्थिति ले आने के लिए द स्टेटस क्वो एंटे, कौन सी स्थिति, जो स्थिति पहले की थी, कौन सी स्थिति, प्रायर टू, देखिए प्रायर के साथ टू है, याद है ना, सुपीरियर इंफीरियर सीनियर जूनियर प्रायर इन और प्रीफर के साथ क्या लगाते हैं, टू, प्रायर टू चाइनाज मल्टीपल इनकर्जन्स, यानी चाइना के अनेकों जो घुसपैठे थी उनके पहले जो स्थिति थी उस पूर्व स्थिति को रीस्टोर करने के लिए अ लॉन्ग रोड अहेड, अभी एक लंबा रास्ता तय करना है, कौन से इनकर्जन्स, दैट बिगेन 1 month एगो, जो घुसपैठे करीब 1 महीने पहले क्या हुई थी, शुरू हुई थी आन जून 9, यानी 9 जून, यहां भी देखिए जून 9 है तो आन लग गया, आन जून 9, 9 जून को इंडियन आर्मी सोर्सेज यानी भारतीय सेना के जो सोर्सेज हैं, मींस जो उनके बिंदु हैं, प्रेजेंटेड, उन्होंने प्रेजेंट किया अ मेजर्ड अप्रेजल, मेजर्ड मींस क्या होता है, सोचा समझा, मींस कहीं कहीं तकनीकी युक्त, और अप्रेजल याद हो गया मूल्यांकन, यानी 9 जून को भारतीय सेना के जो सोर्सेज हैं यानी उनके जो संसाधन हैं, सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, प्रेजेंटेड अ मेजर्ड अप्रेजल, उन्होंने एक सोचा समझा मूल्यांकन प्रस्तुत किया ऑफ, किस चीज के लिए, ऑफ व्हाट हैड बीन एग्रीड टू, जिस पर क्या पहले हुआ गया था, सहमत हुआ गया था एट द कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक्स, कब, जब कॉर्प्स कमांडर लेवल की क्या हुई थी, टॉक्स, बातचीत हुई थी, तो उन पर सहमति भी हो गई थी, एज वेल एज ऑफ द चैलेंजेस, और किस चीज का, मेजर्ड अप्रेजल प्रस्तुत किया, सोचा समझा मूल्यांकन प्रस्तुत किया, ऑफ द चैलेंजेस, उन चुनौतियों का, दैट रिमेन, जो चुनौतियां अभी भी क्या हैं, बनी हुई हैं, बोथ साइड्स, दोनों ही पक्ष आइडेंटिफाइड 5 locations ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दोनों ही पक्ष ने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, पहचाना 5 locations ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि उनके बीच में 5 ऐसे locations हैं, 5 ऐसे जगहें हैं ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिन पर उनको उनको मतलब जिन चीजों को लेकर, जिन locations को लेकर उनमें क्या हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, इन द वेस्टर्न सेक्टर, और ये locations कहां हैं, पश्चिमी क्षेत्र में है, इन लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्र में विवाद के 5 ऐसे locations हैं जिन पर दोनों ही पक्षों ने उन्हें क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि हां ये वो बिंदु हैं जिन पर हमारी आपकी क्या हो रही है, तकरार हो रही, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और सेपरेट ऑन गोइंग स्टैंड ऑफ इन नाकुला इन सिक्किम, और जो सिक्किम में नाकुला है जहां पे गतिरोध बना हुआ है, वॉज नॉट ऑन द एजेंडा, वो जो सेपरेट ऑन गोइंग स्टैंड ऑफ है यानी जो अलग से निरंतर चलने वाला गतिरोध है, कौन सा गतिरोध, नाकुला का जो सिक्किम में है, उस पर वॉज नॉट ऑन द एजेंडा, यानी वो इस एजेंडा इस सूची में शामिल नहीं था, लेकिन यहां देख कितना बढ़िया यूज है, हम लोग लिखते क्या लिखते, वॉज नॉट इन द एजेंडा, लेकिन इन द एजेंडा नहीं होता है, ऑन द एजेंडा होता है, इन द कमिटी नहीं होता है, ऑन द कमिटी होता है ना, लाइन फ्रेज देख लें, बोथ साइड्स आइडेंटिफाई, दोनों ही पक्षों ने पहचान लिया कि 5 locations ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, यानी 5 ऐसी जगहें हैं जिन पर हमारे आपके बीच में तकरार है, इन द वेस्टर्न सेक्टर इन लद्दाख, और ये कहां है, लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्र में है, और अ सेपरेट ऑन गोइंग स्टैंड ऑफ इन नाकुला इन सिक्किम, और सिक्किम में जो नाकुला है इस पर जो अलग से लगातार गतिरोध चल रहा है, वॉज नॉट ऑन द एजेंडा, वो बातचीत में यानी उस सूची में शामिल नहीं था, द 5 spots, ये जो 5 spots हैं, जगहें हैं, इंक्लूड, इनमें शामिल हैं कौन, देखिए स्पॉट्स प्लूरल था 5 spots, तो ये वर्ब के रूप में प्लूरल है आपका,
द फाइव स्पॉट्स इंक्लूड, इन पांच जगहों में शामिल हैं पेट्रोलिंग पॉइंट्स, यानी जो गश्त लगाने वाले पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, जगहें हैं, नाके हैं, 14, 15 एंड 17, यानी पेट्रोलिंग पॉइंट्स 14, 15 और 17, जो शुल्क का जो नाका है वो, एंड द नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग लेक, यानी जो नॉर्थ बैंक, बैंक में इस किनारा, नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग लेक, यानी जो पेंगोंग लेक है, झील है, इसका जो नॉर्थ बैंक उत्तरी किनारा है वो चुशुल और पेट्रोलिंग पॉइंट्स 14, 15 और 17, ये पांच ऐसी जगहें हैं जिन पर उनमें, यानी भारतीय और चीनी सेना में क्या है, विवाद है। अ ब्रॉड प्लान, एक विस्तृत योजना, हैज बीन एग्रीड, पैसिव एश हैज बीन एग्रीड टू, यानी उस पर पांच विस्तृत योजना, हैज बीन एग्रीड, उन पर सहमति हो गई है, टू होल्ड अ सीरीज ऑफ टॉक्स, कि क्या की जाएगी, लगातार बात की जाएगी, एट लोअर रैंक्स, एक नजदीकी रैंक पर, ऑफ कर्नल, स्पेलिंग तैयार कर लीजिएगा, कर्नल, ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल, यानी कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल के जो लोअर रैंक्स हैं, इनके, इनमें ए सीरीज ऑफ टॉक्स, यानी बातचीत का एक सिलसिला शुरू होगा, ऐसा क्या हुआ, हैज बीन एग्रीड, सहमति हुई है, जिस पर एक ब्रॉड प्लान, विस्तृत योजना बनी है, एट फोर ऑफ दोस पॉइंट्स, और ये बातचीत किन पर होगी, चार उन पॉइंट्स पर, इन द कमिंग वीक, और कब होगी, आने वाले सप्ताह में, टू टेक फॉरवर्ड द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस, ताकि इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को, यानी उन जगहों को सैनिकों से छुटकारा देने के लिए, टेक फॉरवर्ड, और क्या हुआ जा सके, आगे बढ़ा जा सके। देयर हाउ एवर, जब भी हाउ एवर बीच में हो, जो भी हो, और ये कंट्रास्ट दिखाता है, विरोध दिखाता है, जो भी हो, देयर अपीयर, अब देखिए देयर अपीयर, अपीयर्स क्यों नहीं है, क्योंकि यहां प्लूरल है, टू बी सीरियस डिफरेंसेस है ना, देयर हाउ एवर अपीयर, यानी ऐसा लगता है कि टू बी सीरियस डिफरेंसेस, क्या है, गंभीर मतभेद हैं, ऑन पेंगोंग लेक, किसको लेकर के, पेंगोंग लेक को लेकर के, विच मे रिक्वायर, जिसमें जरूरत पड़ सकती है, एनदर राउंड ऑफ हायर लेवल टॉक्स, यानी हायर लेवल टॉक्स के अगले राउंड की भी जरूरत पड़ सकती है, एट द कार्प्स कमांडर लेवल, और ये किस लेवल पे बातचीत हो सकती है, कार्प्स कमांडर लेवल पे बातचीत पड़ सकती है, ऐसी आवश्यकता पड़ सकती है, क्यों, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ सीरियस डिफरेंसेस हैं, गंभीर मतभेद हैं, ऑन पेंगोंग लेक को लेकर के, ठीक है। चाइनीज ट्रुप्स, यानी जो चीन की सेना की टुकड़ियां हैं, हैव डग इन, आपने नेक्स्ट, मतलब लास्ट वाले में भी पढ़ा था, डिग इन, कहीं पर डेरा डाल लेना, जम जाना वहीं पर, यानी चाइनीज ट्रुप्स हैव डग इन, पैसिव, अरे थर्ड फॉर्म होगी ना हैव के बाद, तो डिग, डग, डग, यही होता है ना, तो चाइनीज ट्रुप्स हैव डग इन एट द फिंगर फोर एरिया, यानी चाइनीज ट्रुप्स जो हैं वो डेरा जमाए बैठी हैं एट द फिंगर फोर एरिया, कहां पर, फिंगर फोर एरिया, फिंगर एरिया समझते हैं बच्चों, जो माउंटेनस स्पर्श होते हैं, यानी पर्वत स्कंद होते हैं, उन्हें हम फिंगर एरिया कहते हैं, जो फिंगर फोर एरिया है वहां पे चाइनीज ट्रुप्स क्या की हुई है, डेरा जमाए बैठी हैं, ऑन द लेक्स नॉर्दर्न बैंक, जो किस तरफ है, उस झील के उत्तरी किनारे की तरफ है, एंड और स्टिल रिमेन प्रेजेंट, रिमेन के बाद देखिए एडजेक्टिव है ना, स्टिल रिमेन प्रेजेंट, और अभी भी वो उपस्थित हैं, ऑन इंडियाज साइड ऑफ द एलएसी, ने जो भारत की तरफ का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां वो अभी भी क्या है, उपस्थित हैं, विच रन्स एट फिंगर एट, वो एलएसी जो कहां पर है, फिंगर एट पर है, नी भारत की तरफ के एलएसी पर भी वो चाइनीज ट्रुप्स जो हैं रिमेन प्रेजेंट, अभी क्या है, उपस्थित हैं, एंड दिस इज वरिंग, ये चिंताजनक है। द फिंगर्स 1 to 8, यानी जो पर्वत स्कंद हैं 1 से लेकर 8 तक, रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो कहां से कहां तक हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रहे हैं, रीफर, ये पर्वत स्कंद रीफर, पर्वत स्कंद रीफर, ये किसके बारे में बताते हैं,
टू माउंटेन स्पर्श, यानी उन पर्वत स्कंधों के बारे में ऑन द नॉर्थ बैंक, जो किस तरफ है, उत्तरी किनारे की तरफ, पेंगोंग के उत्तरी किनारे की तरफ है। बाई इरेक्टिंग टेंस, इरेक्ट टेंस मीन्स तंबू लगा देना, तंबू खड़ा कर देना, तंबू तान देना, इरेक्ट मीन्स खड़ा करना। बाई इरेक्टिंग टेंस यानी टेंस लगा करके, तंबू खड़ा करके, चाइना हैज यूनिलैटरली चेंज्ड द स्टेटस क्वो। यूनिलैटरली याद है, बाइलैटरली द्विपक्षीय, तो यूनिलैटरली एक पक्षीय। चाइना हैज यानी वहां पर तंबू खड़ा करके, चाइना हैज यूनिलैटरली चेंज्ड द स्टेटस क्वो, चाइना ने एक तरफा उस यथा स्थिति को क्या कर दिया है, चेंज्ड, बदल दिया है। इंडिया हैज मेड क्लियर, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि इट विल एक्सेप्ट नथिंग लेस देन रीस्टोरिंग द स्टेटस क्वो एंटी। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह इस चीज से कम कुछ स्वीकार नहीं करेगा। किस चीज से कम, देन रीस्टोरिंग द स्टेटस क्वो एंटी, कि इस विवाद से पूर्व की जो स्थिति थी उसे रीस्टोर किया जाए, पुनः वही स्थिति बहाल की जाए, इससे कम भारत कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा उसने, भारत ने क्या कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है। एंड और विल नॉट डाइल्यूट इट्स बिल्डअप इन द एरिया, और उस क्षेत्र में जो इसका बिल्डअप है यानी जो इसके सैनिक वगैरह जमा है, विल नॉट डाइल्यूट, उनको वो क्या नहीं करेगा, कमजोर नहीं करेगा, और जो वहां पे चीजें इसकी बन रही निर्माणाधीन है उनको भी कमजोर नहीं करेगा। अनटिल एंड अनलेस, तब तक जब तक चाइना ड्राज डाउन द आर्टिलरी, ड्रा डाउन याद है कमजोर होना, कम करना, जब तक कि चीन अपनी आर्टिलरी को यानी तोपखाने, तोपों वगैरह में कमी नहीं ले आता है, बॉम्बर्स में कमी नहीं ले आता है, रॉकेट फोर्सेस में कमी नहीं ले आता है, एयर डिफेंस रडार्स में कमी नहीं ले आता है, एंड जैमर्स, और उन जैमर्स में कमी नहीं ले आता है, दैट इट हैज अमाश्ड, जिन जैमर्स को इट हैज अमाश्ड, इसने क्या कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है बिहाइंड द फ्रंट लाइन्स ऑन इट्स साइड ऑफ द एलएसी, यानी एलएसी का जो इसकी तरफ का पक्ष है उसके फ्रंट लाइन पर, मोर्चे पर, मोर्चे के पीछे इसने जो सारी चीजें जमा कर रखी हैं, कौन सी चीजें, आर्टिलरी, बॉम्बर्स, रॉकेट फोर्सेस, एयर डिफेंस रडार्स और जैमर्स, जब तक इन्हें ड्रा डाउन नहीं करता चीन, इन्हें इनमें कमी नहीं ले आता है, तब तक भारत भी अपने उस क्षेत्र में बिल्डअप को क्या नहीं करेगा, डाइल्यूट नहीं करेगा, हल्का नहीं करेगा, कम नहीं करेगा, ऐसा भारत ने बिल्कुल क्या कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है। द डिमांड्स, डिमांड्स मीन्स मांग, मांगे, जो आपकी मांग होती है वो डिमांड्स हैं आपके। द डिमांड्स मेड एट ग्राउंड लेवल टॉक्स, ने जो जमीनी स्तर पे बातचीत हुई, ग्राउंड लेवल पे बातचीत हुई, उसमें जो मांगे थी सजेस्ट, वो कहीं ना कहीं ये बताती, उनसे पता चलता है कि चाइनाज मूव्स, याद है मूव्स ना, कदम, एक मूव मींस आगे बढ़ना, खिसकना, और एक मूव मींस द्रवित कर देना, हृदय को पिघला देना, याद हो जाएगा। तो वो डिमांड्स मेड एट ग्राउंड लेवल टॉक्स, यानी जो जमीनी स्तर पे बातचीत हुई उसमें जो डिमांड्स चीन ने रखी सजेस्ट, वो ये बताती हैं चाइनाज मूव्स की, चीन का जो कदम है, जैसे चाइनाज पॉजिटिव केस आया ना, तुरंत समझ जाए यहां पे नाउन रहेगा, कि चाइना का जो कदम है इन पार्ट, कुछ अंशों में मे बी मोटिवेटेड, नहीं चाइना ने शायद इस वजह से प्रेरित होकर के ये कदम उठाया हो, कौन सा, किस चीज से प्रेरित होकर के, बाई इट्स इनसिक्योरिटीज, क्योंकि चीन कहीं कहीं अपने को असुरक्षित महसूस किया होगा एट इंडियाज रिसेंट इंप्रूवमेंट्स, क्योंकि भारत ने कहीं हाल ही में इंप्रूवमेंट्स किए, मीन्स कहीं कहीं सुधार किए, बेहतर किए इन इंफ्रास्ट्रक्चर, किसमें, अपनी आधारभूत संरचना में ऑन द इंडियन साइड ऑफ द एलएसी, किस तरफ, भारत की तरफ, जो एलएसी का भारतीय पक्ष है उस तरफ भारत ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती ले आई, उसे सुधार किया, जिसकी वजह से कहीं कहीं चीन को इनसिक्योरिटी फील हुई, असुरक्षा की भावना हुई, इसी से मोटिवेटेड होकर के चीन ने शायद ये कदम उठाया हो, कौन सा कदम,
अग्रेशन का, मीन्स घुसपैठ का, हमला करने का ऐसा सजेस्ट पता चलता है किसे, ग्राउंड लेवल के टॉक्स में चीन ने जो क्या रखी अपनी डिमांड्स रखी, मांगे रखी, विच हैव हेल्प्ड रिड्यूस द एनॉर्मस असिमेट्री दैट चाइना हैज एंजॉयड, विच में समझ रहे बच्चों किसके लिए है, भारत ने जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अपने एलएसी की तरफ क्या किया, इंप्रूवमेंट, सुधार किया, बनाया, जिसकी वजह से इन चीजों ने, इस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ने हैव हेल्प्ड रिड्यूस द एनॉर्मस असिमेट्री, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो विशाल असंतुलन था उस विशाल असंतुलन में हैव हेल्प्ड रिड्यूस, कहीं ना कहीं कमी आई, दैट चाइना हैज एंजॉयड, जो विशाल अंतर, विशाल असंतुलन चाइना हैज एंजॉयड, चाइना ने जिसका अब तक आनंद लिया है, मींस लाभ लिया है। फिर से समझे बच्चों, आप इसे ऐसे समझ लें, भारत के इस तरफ की जो अवस्था थी वो अवस्था क्या थी, बहुत लुंज पुंज थे, और एलएसी के उस तरफ की जो अवस्था, चीन की तरफ की अवस्था थी वो बहुत इंजॉयफुल थी, मींस हर चीज से दुरुस्त था वो, तो चीन हमेशा खुश रहता था, कहीं कहीं वो हावी है, लेकिन जैसे भारत ने इन क्षेत्र में, इंडियाज रिसेंट इंप्रूवमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां इंप्रूव करना शुरू कर दिया ऑन द इंडियन साइड ऑफ द एलएसी, तो कहीं ना कहीं जो एनॉर्मस असिमेट्री थे, यानी विशाल अंतर था, इस चीज ने कहीं ना कहीं हैव हेल्प्ड रिड्यूस, उस अंतर में क्या आई, कमी आई, जिसकी वजह से चीन ने कहीं ना कहीं ये कदम क्या किए हैं, उठाए हैं, क्योंकि दैट चाइना हैज एंजॉयड, क्योंकि इस अंतर की वजह से चीन अब तक इस स्थिति का क्या लेता था, लाभ लेता था, एंड नाउ वांट्स टू प्रिजर्व, और अब वो चाहता है कि अभी भी भारत पीछे रहे और चाइना और बेहतर अवस्था में रहे, और इसी स्थिति को वो प्रिजर्व रखना चाहता है, मीन्स सुरक्षित रखना चाहता है, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप, हर पड़ोसी चाहता है उसके पड़ोस वाला थोड़ा सा कमजोर रहे, अच्छे से न रहे, यही वहां भी है बच्चों। इंडिया हैज करेक्टली मेड क्लियर, यानी इंडिया ने बिल्कुल सही तरीके से इस चीज को स्पष्ट कर दिया है कि इट विल नॉट स्टॉप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कि भारत अपना निर्माण कार्य नहीं रोकेगा ऑन इट्स साइड, अपनी तरफ के ऑफ द एलएसी, यानी एलएसी के अपनी तरफ भारत कंस्ट्रक्शन कार्य को नहीं रोकेगा, ऐसा उसने बिल्कुल सही तरीके से चीन को क्या कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है, विच इट इज एंटायरली एंटाइटल्ड टू, याद रखिएगा बच्चों, और जिसका भारत एंटायरली पूरी तरीके से क्या है, अधिकारी भी है, यानी भारत का हक भी है ऐसा कि वह एलएसी के अपनी तरफ कंस्ट्रक्शन कार्य को, एक्टिविटी को क्या रखे, जारी रखे। वो वन इंपॉर्टेंट टेक अवे, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टेक अवे बिंदु, यानी कोई ऐसा बिंदु जो कहीं कहीं लाभ की स्थिति हो, जो की पॉइंट के रूप में हो, तो वन इंपॉर्टेंट टेक अवे, यानी एक जो महत्वपूर्ण लाभ हुआ फ्रॉम द जून 6 टॉक्स, किनसे, इस 6 जून की बातचीत से, आप कहेंगे सर जून यहां है 6 है, फिर भी फ्रॉम लगा, क्योंकि ये फ्रॉम जून 6 के लिए नहीं है, फ्रॉम टॉक्स के लिए है, यानी एक जो महत्वपूर्ण लाभ हुआ, टेक अवे हुआ फ्रॉम द जून 6 टॉक्स, 6 जून की बातचीत से, दैट कुड हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट, यानी जिसका एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट हो सकता है, लंबे समय तक पड़ने वाला प्रभाव हो सकता है, वो इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है, इज अ प्रपोजल, वो एक ऐसा प्रस्ताव है, दैट द कॉर्प्स कमांडर्स हैव फॉर्मल मीटिंग्स वंस और ट्वाइस अ ईयर फॉर बेटर, पहले यहां देख ले बच्चों, वो एक ऐसा प्रस्ताव है दैट कि द कॉर्प्स कमांडर, जो कॉर्प्स कमांडर्स है, यानी सेना की टुकड़ियों के जो कमांडर्स हैं, कॉर्प्स समझते हैं बच्चों, CORPS, ये कॉर्प्स क्या है, सेना की टुकड़ियां, और CORPSE, ये कॉर्प्स क्या होती है, डेड बॉडी को कहते हैं, ठीक है, तो ये कॉर्प्स सेना की टुकड़ियां, फिर से देख लें, वन इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम द जून 6 टॉक्स, यानी 6 जून की जो बातचीत हुई उससे एक महत्वपूर्ण लाभ जो हुआ, दैट की सॉरी दैट कुड हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट,
जिसका एक लंबा लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव पड़ सकता है, वो इंपॉर्टेंट टेक अवे इज अ प्रपोजल। वो क्या है? एक प्रस्ताव है। कौन सा प्रस्ताव? दैट की द कार्प्स कमांडर्स, जो कि कार्प्स कमांडर्स जो सेना टुकड़े जो कमांडर्स हैं, हैव फॉर्मल मीटिंग्स वंस और ट्वाइस अ ईयर, कि साल में एक या दो बार ये क्या करेंगे? फॉर्मल मीटिंग्स करेंगे, यानी औपचारिक मीटिंग्स करेंगे फॉर बेटर इंटरेक्शन। इंटरेक्शन बातचीत, यानी बेहतर बातचीत, बेहतर इंटरेक्शन के लिए, संवाद के लिए ये साल में एक या दो बार क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। बिटवीन द टू आर्मीज, किनके बीच? इन दो सेनाओं के बीच, एट अ हायर लेवल। और ये इंटरेक्शन, ये बातचीत भी कैसे होगी? एट अ हायर लेवल, उच्च स्तर पर होगी। इफ देयर इज अ वन थिंग, यदि एक चीज है, दैट द रिसेंट टेंशंस हैव मेड क्लियर, जिस चीज को हाल ही में जो टेंशन तनाव हुए हैं, है मेड क्लियर, स्पष्ट कर दिया है, तो वो चीज क्या है? इट इज द अर्जेंट नीड। वो ये है कि एक आवश्यक जरूरत है, यानी अनिवार्य जरूरत है फॉर बेटर कम्युनिकेशन, कि हम बेहतर बातचीत करें, टू एड्रेस, समाधान निकालने के लिए द स्ट्रेटजिक मिस्ट्रस्ट, इस रणनीतिक अविश्वास का समाधान निकालने के लिए हम बेहतर बातचीत करें, दैट प्रिवेल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एलियंस, जो स्ट्रेटजिक मिस्ट्रस्ट प्रिवेल्स क्या है, व्याप्त है ऑन बोथ साइड्स ऑफ एलियंस, एनएलएसी के दोनों तरफ, भारतीय पक्ष से भी और चाइनीज पक्ष से भी, जो स्ट्रेटजिक मिस्ट्रस्ट व्याप्त है, यानी जो रणनीतिक अविश्वास है, इसका समाधान निकाल सकते हैं हम। इसका समाधान निकालने के लिए हम बेटर कम्युनिकेशन करें, यानी अच्छे तरीके से बातचीत करें, इसकी क्या है? एक अर्जेंट नीड है। चाइनाज एक्शंस, चीन के जो एक्शंस हैं ओवर द पास्ट मंथ, मैंने कहा था जब ओवर इस तरह लगे के दौरान हो जाएगा, यानी चाइना के जो एक्शंस हैं पिछले महीनों से, यानी पिछले महीने के दौरान चीन के जो एक्शंस हैं, हैव अनफॉर्चुनेटली वनली डिपेंड इट, यानी यहां डिपेंड में ईडी, डिपेंड मीन्स गहरा कर देना, यानी चीन के एक्शंस ने पिछले महीने के दौरान हैव अनफॉर्चुनेटली वनली डिपेंड इट, यानी डिपेंड मीन्स गहरा कर देना, उसकी हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म डिपेंडेड, यानी डिपेंड इट, यानी इस खाई को, इस गहरे अविश्वास को चीन के एक्शंस ने पिछले महीने के दौरान और दुर्भाग्यवश क्या कर दिया है? डिपेंड और गहरा कर दिया है। किस चीज को गहरा कर दिया है? स्ट्रेटजिक मिस्ट्रस्ट को, अविश्वास को। किसने गहरा कर दिया है? चाइनाज एक्शंस ने, चीन के गतिविधियों ने। कब गहरा कर दिया है? ओवर द पास्ट मंथ, पिछले महीने के दौरान। इल एडवाइज्ड पोस्चरिंग एट द टॉप पॉलिटिकल लेवल्स ऑफ द इंडियन लीडरशिप विद थ्रेट्स लास्ट ईयर टू रिक्लेम अक्साई चीन डिडंट हेल्प ईदर। जब भी के अर्थ में नेगेटिव सेंटेंस में आपको यूज करना हो तो ईदर कहां ले लें? लास्ट में ले लें। जैसे आप कहना हो राम डिडंट कम एंड रहीम डिडंट कम ईदर, तो इधर भी के अर्थ में हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लें। इल एडवाइज्ड पोस्चरिंग, यानी जो गलत तरीके की पोस्चरिंग थी, हाव भाव था, तेवर था, याद ना, पोस्चरिंग तेवर, जो गलत तरीके का तेवर था एट द टॉप पॉलिटिकल लेवल्स, वो भी किस लेवल पे? यानी उच्च राजनीतिक स्तर पर दिखाया गया जो गलत तरीके का तेवर था। ऑफ द इंडियन लीडरशिप, वो भी किसके तरफ से दिखाया गया? भारतीय नेतृत्व की तरफ से। विद थ्रेट्स, जिसमें भारतीय नेतृत्व ने क्या दी? थ्रेट्स, धमकियां दी लास्ट ईयर, पिछले महीने, सॉरी पिछले साल, टू रिक्लेम। कौन सी धमकी? कि वो रिक्लेम, फिर से दावा करेंगे अक्साई चीन। किस पर? अक्साई चीन के ऊपर। डिडंट हेल्प ईदर, और इस चीज ने भी सहायता नहीं की, यानी इस चीज की वजह से भी तनाव और अधिक गहरा हुआ और वो स्ट्रेटजिक मिस्ट्रस्ट जो था डिपेंड और अधिक क्या होता गया? गहरा होता गया। बोथ साइड्स
मस्ट नाउ लुक अहेड, दोनों ही पक्षों को अब आगे की तरफ देखना चाहिए, एट व्हाट कैन बी डन, कि अब क्या किया जा सकता है। ये एट किसके लिए था बच्चों, पता है, लुक एट, यानी उन्हें आगे देखना चाहिए किससे, इस पर कि व्हाट कैन बी डन, पैसिव वॉइस है, कि क्या किया जा सकता है विद लेसंस, और उन्हें सबक भी लेने चाहिए फ्रॉम द मिस्टेक्स, उन गलतियों से, फ्रॉम द रिसेंट पास्ट, जो गलतियां उन्होंने कब की हैं, हाल के अतीत में यानी पिछले कुछ समय में जो गलतियां उन्होंने की हैं उससे उन्हें क्या लेना चाहिए, सबक भी लेना चाहिए। ठीक है, ये वर्ड्स हैं बच्चों, ब्रिंक आप जानते हैं, ब्रिंक जब गिलास के बिल्कुल ऊपर तक आपको चीज भर देते हैं तो वो ब्रिंक पर आ जाता, मुहाना बिल्कुल अंतिम छोर। डिसएंगेजमेंट नाउन है आपका, मीन्स एक तरह से छुटकारा अर्थात एक तरह से मुक्ति। मल्टीपल कई सारे एडजेक्टिव के रूप में है। एजेंडा नाउन आप जानते हैं, कार्य सूची बातचीत के लिए। यूनिलैटरली मीन्स एक तरह से क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, एक पक्षीय तौर पर। रो विवाद झगड़ा नाउन है आपका। ट्रुप्स सेना की टुकड़ियां नाउन है। इनकर्जेंस नाउन है आपका, मीन्स घुसपैठे, इन्फिल्ट्रेशन कह सकते हैं आप। पेट्रोलिंग गश्त को कहते हैं, नाउन है। डाइल्यूट वर्ब के रूप में है, हल्का करना, कमजोर करना। मिसट्रस्ट वर्ब के रूप में था तो ये फिर भरोसा न करना, नाउन के रूप में अविश्वास। स्टैंड ऑफ याद हो गया होगा, डेडलॉक याद होगा, ऑब्स्टिकल याद होगा आपको, और व्हाट स्टैंड स्टिल याद हो गया होगा, बॉटल नेक याद हो गया होगा, याद हो गया आपको, इम्पास याद हो गया होगा आपको, मीन्स गतिरोध। मेजर्ड एडजेक्टिव के रूप में सोचा समझा हुआ। ब्रॉड एडजेक्टिव है विस्तृत। बिल्ड अप यहां पे नाउन है, पूरी संरचना बनावट। मोटिवेटेड एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है, वर्ब के रूप में भी, मीन्स प्रेरित। अमाश वर्ब है, इकट्ठा करना। टेक अवे, इस तरह टेक अवे लेंगे तो लेकर चले जाना, लेकिन टेक अवे एक साथ रखेंगे तो मीन्स कोई बिंदु। स्ट्रैटेजिक रणनीतिक एडजेक्टिव है आपका। पोस्चरिंग एक जीरण के रूप में नाउन हो सकता है, ये मीन्स तेवर आपका, हाव भाव। ओवरकम वर्ब है आपकी, नियंत्रित कर लेना, विजय प्राप्त कर लेना, वैनक्विश कर लेना। लाइकली बताया था मैंने कल, प्रॉबेबली संभावना है। अप्रेजल मीन्स एक तरह से यहां पर अप्रेज में यल यानी नाउन है आपका, मूल्यांकन। डिग इन फ्रेजल वर्ब है, डेरा जमा लेना, स्थापित हो जाना। ड्रा डाउन फ्रेजल वर्ब है, कम कर देना। इनसिक्योरिटीज नाउन है, असुरक्षाएं यानी असुरक्षा की भावनाएं। मूव नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकती है, नाउन के रूप में कदम हो जाएगा और वर्ब के रूप में मूव आगे बढ़ना और एक हृदय को पिघला देना। लॉन्ग लास्टिंग एडजेक्टिव है, लंबे समय तक चलने वाला। प्रिवेल्स जो चीज व्याप्त हो, वर्ब के रूप में प्रिवेल ऑन। थ्रेट्स नाउन है, धमकियां, डर, चेतावनी, खतरा कह सकते हैं बल्कि यहां पे आप। कम्युनिकेशन नाउन है, बातचीत। स्टेटस को एंटी यानी विवाद से पूर्व की स्थिति। कॉन्फ्लिक्ट नाउन है, मीन संघर्ष, झड़प। स्पर्श यहां पे प्रेरित करने के सेंस में, या वो पर्वत स्कंध लेंगे अगर आप तो पर्वत स्कंध हो जाएंगे। आर्टिलरी तोपखाना या तोपे नाउन के रूप में। इंफ्रास्ट्रक्चर नाउन है, मैंने कहा था एक जो पूरी आधारभूत संरचना होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और दूसरा मैंने बताया था अगर आप कोई सोसाइटी वगैरह बसाना चाहते हो तो उनमें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो क्या कहलाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएगा। असिमेट्री असंतुलन यानी एक तरह से ये नाउन के रूप में है। इंटरेक्शन नाउन है, बातचीत, आपस की जो बातचीत होती है। डीपेन वर्ब है, गहरा कर देना। रिक्लेम वर्ब है, फिर से दावा करना। पार्शियल एडजेक्टिव है, आंशिक, थोड़ा बहुत। प्रायर एडजेक्टिव है, प्रायर टू होता है यानी पहले का, पूर्व का। सेपरेट एडजेक्टिव है, अलग। इरेक्टिंग वर्ब भी हो सकता है यहां पे और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, मीन्स खड़ा करने का कार्य। जैमर्स नाउन है, जैमर्स समझते ना, जाम कर देने वाला, जैसे
जैमर्स जब प्रधानमंत्री वगैरह जाते हैं तो जैमर्स साथ में चलते हैं ताकि किसी के मोबाइल वगैरह काम न करें। एनॉर्मस एडजेक्टिव है, विशाल, बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में। एंटाइटल टू फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं या वर्ब के साथ प्रीपोजिशन टू है, किसी चीज का अधिकारी होना। एड्रेस पता के रूप में नाउन हो जाएगा और वर्ब के रूप में एड्रेस समाधान निकालना भी होता है और संबोधित करना भी होता है। इल एडवाइज्ड, गलत सलाह जो दी गई हो वो, और ईदर दोनों में से एक प्रोनाउन के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में और एडवर्ब के रूप में भी हो जाएगा। ठीक है, सही बच्चों, कैसा लगा सेशन आप बताइएगा। कुछ चीजें मैंने हटाई इसमें से बच्चों ताकि आपका फोकस एडिटोरियल पे हो, वो चीजें हम अलग से भी आपको वीडियोस बना करके दे सकते हैं। और शाम को इसीलिए हमने अब शुरू कर दिया है अपना प्रीवियस ईयर के जो सेट्स हैं उनको सॉल्व करा रहे हैं। जरूर देखें बच्चों, मुझे पता है आपकी कुछ दिक्कतें रहेंगे, लेकिन अगर रेगुलर सॉल्व करेंगे तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ आप एडिटोरियल पढ़ें एक घंटे के आसपास दें और यहां सारी चीजें सीखें और वहां सारी चीजें तैयार कर लें, तो आपको इंग्लिश में कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बच्चों। ठीक है, हमेशा खुश रहें, हैव अ नाइस डे और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी कभी ना आए, हमेशा सफल हो जाए। थैंक यू वेरी मच।